तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदस्त पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथा की श्रृंखलाएं जो चल रही हैं, उसमें हमने कई बार सिद्ध माता का वर्णन किया है और बहुत से अपने भक्त परिवार के कई सदस्यों ने ये पूछा है कि ये सिद्ध माता कौन। तो आज मैं आपको सिद्ध माता के बारे में बताने जा रहा हूं। एक विशेष बात मैं और बता दूंगा आपको। महाराज जी के अनंत यात्रा के बाद लगभग 44 साल 44 ईयर सिद्ध माता ने ही सारी व्यवस्था को संभाला था। और महाराज जी का जो दिशा निर्देशन था, एक बात मैं और बता दूं कि सिद्ध माता का दूसरा नाम या जो गुप्त स्वरूप महाराज जी ने एक बार प्रकट भी किया था और प्रकट करते समय वो अपना परिचय भी दिए बैठे थे, उनका नाम कात्यायनी का स्वरूप था, उनका अवतार जो था कात्यायनी स्वरूप। कात्यायनी माता का नाम है, माता के दुर्गा वैष्णवी, और उन्हीं में से एक नाम कात्यायनी है। तो कात्यायनी का अवतार थी सिद्ध माता। हुआ क्या, ऐसा कैसे हो गया कि महाराज जी माता के साथ अपना परिचय दे बैठे। आपको याद होगा वैष्णो देवी माता के जब दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर बाण गंगा मिलते हैं। एक छोटे से समय का मैं आपका एक भाग लेता हूं इसमें कि बाणगंगा जो निकली है वो भैरव बाबा से जब युद्ध होता है हनुमान जी पहरे पे होते हैं, तो जब उनको प्यास लगती है तो माता बाण से उनकी प्यास बुझाती है, जो जल निकलता है वो आज भी निरंतर निकल रहा है। तो हनुमान जी वहां पर है जहां शक्ति है। महाराज जी साक्षात हनुमान और उनके साथ शक्ति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आज आपको पूरी खुल के बात बताता हूं कि मां का जो नर अवतार, नर नारी के अवतार होते हैं जो हमारे सृष्टि में, तो वो उनका अवतार अल्मोड़ा के जो रहने वाली थी मां, वहां उनका जन्म हुआ और उनका विवाह तुलाराम शाह जो नैनीताल के निवासी, वहां उनका विवाह हुआ था। तुलाराम शाह धनाढ्य परिवार, आज भी इंडिया होटल है नैनीताल में, उसके वो मालकिन थी। तो चांदनी रात थी, महाराज जी नैनीताल में पाषाण देवी वहां पर एक शिला पर बैठे, उस झील के किनारे बैठे हुए थे और उनके अन्य भक्त पूरन चंद जोशी उनके साथ में बैठे हुए थे। भक्त और भगवान में वार्ताएं होती हैं और कभी कभी ऐसी वार्ताएं हो जाती हैं जो जन सामान्य की समझ में नहीं आती, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भक्त भी नहीं समझ पाता क्या कह रहे हैं। अचानक महाराज जी बोल पड़े, वह कात्यायनी देवी का घर है जिसके लिए हनुमान को यहां आना पड़ा। पूरनदा समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि जो इंडिया होटल है वहां जो निवास कर रही है इस समय, जो जिनकी विवाह होके आया है, वो सिद्ध माता है, कात्यायनी देवी है और हनुमान को यहां आना पड़ा, ये कह बैठे वो। और सच में इतना खुला परिचय महाराज जी ने कभी किसी को नहीं दिया, अपने मुखारविंद से ये कह बैठे कि हनुमान को यहां आना पड़ा। तो मित्रों आप जान लीजिए कि महाराज जी का स्वयं द्वारा दिया गया परिचय एकमात्र पूरे जीवन काल में वही है। स्वरूप दिखा दिए और सब चीजें हो गई, लेकिन अपने मुखारविंद से कि हनुमान को यहां आना पड़ा,
ये एकमात्र ऐसी घटना है। कात्यायनी मां से प्रथम परिचय कब हुआ तो मैं ये कथा भी इसी के साथ आपको सुना रहा हूं कि महाराज जी श्री राम शाह एक उनके भक्त हैं, महाराज जी उनके घर पर आए हुए थे और वहां पर जब आपको मालूम है कि महाराज जी जहां बैठते थे वहां दरबार लग जाया करता था, तो श्री राम शाह जी के यहां दरबार लगा हुआ था, भक्त लोग उनके आ रहे थे। सिद्ध माता के जो पति तुलाराम शाह थे वो भी भक्त, तो वो भी अपने परिवार साथ वहां आए हुए थे। महिलाओं की श्रृंखला में महिलाओं की जो व्यवस्था थी वहां बैठने की वहां बैठे हुए थे और उन्होंने आके महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने तभी उनकी उनका विवाह भी उस समय होके आया था तो महाराज जी ने विशेष तौर से उनके बारे में बताया कि ये इस तरह से पूजा करती है, ये बहुत धर्म को चाहने वाली है। एकदम जो नॉर्मल चीजें होती हैं किसी के बारे में जब कोई संत होता है अगर बताने लगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है सबको। तो लेकिन उनके साथ एक बात और कह दी कि वृंदावन आश्रम में मां के लिए कुटिया बनेगी। अब आप देखिए नई नवेली बहन बहू है और उसके लिए एक संत मां शब्द का प्रयोग कर रहा, माई तो वो कहते ही थे लेकिन उनके लिए सीधा मां शब्द का प्रयोग किया और ये बताया कि वृंदावन आश्रम में इनके लिए कुटिया बनेगी। कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है जिसने तत्काल में और उसके लिए कुटिया की बात हो तो बहुत हल्के से लोग लिया, हल्के से ही लेना भी चाहिए क्योंकि वो ऐसी बात थी जो गृहस्थ से सीधा मतलब संन्यास की तरफ ले जा रही थी। लेकिन महाराज जी भविष्य को बता रहे थे, लोगों ने समझा नहीं समझा लेकिन वो चीज उनके जो वैभवपूर्ण उनका जीवन संपन्नता उनके साथ थी और उनके लिए कुटिया बनेगी ये बात लोगों को कम समझ में आई। लेकिन महाराज जी ने कह दिया तो कह दिया, लोगों ने बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं दिया। फिर बंधुओं एक अवसर आया, जीवन में लोगों के अवसर आते हैं अगर पहचान कर और उस पर आदमी चल पड़ता है तो वो सफल हो जाता है। सिद्ध माता बहुत धनाढ्य लोग होते हैं, सब कुछ संपन्नता होती है लेकिन सिद्ध माता कात्यायनी का रूप थी और उन्होंने उस समय पर संन्यास भी लिया। संन्यास लेने की एक कथा अलग है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा लेकिन यहां इतना बता देता हूं कि जब उनके पति तुलाराम शाह अनंत यात्रा पर चले गए इसके बाद उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास जब लिया है तो महाराज जी की सेवा में आ गई। महाराज जी के जीवन काल में मां कैची धाम में रही, अन्य जो आश्रम बने उनका कारभार संभाला, बहुत सक्रियता से उन्होंने प्रभु तपस्या की, मैं तो तपस्या कहूंगा क्योंकि एक यही एक बड़ी बात थी कि हनुमान जी का सानिध्य मिल जाए, फिर क्या था। और मैं आपको बता दूं कि कोई घोषणा नहीं होती संत समाज में, अब अलग बात है कि ये सचिव हैं ये कैशियर हैं ये सब होता था लेकिन महाराज जी ने अपने अनंत यात्रा पर जाने से पहले माता को विधिवत उत्तराधिकारी का कार्यभार सौंप दिया था। अब आपको मैं याद दिलवा दूं, मैंने जो अनंत कथा आपको सुनाई है जब महाराज जी कैची धाम से चले हैं तो महाराज जी जो डायरी में राम राम लिखा करते थे वो डायरी सिद्ध माता को दी थी और ये कहा था माई आगे से तू ही लिखेगी। समझ नहीं पाए उस दिन भी जिस तरह से उन्होंने प्रथम दर्शन में कह दिया था इनके लिए कुटिया बनेगी और वृंदावन आश्रम का निर्माण हुआ वहां उनके लिए कुटिया बनी और उसमें मां रही। वो बहुत समय पहले उन्होंने बता दिया था लेकिन ऐसा ही उन्होंने जब ये कहा कि राम राम लिखेंगी तब भी ये समझ नहीं पाई थी कि महाराज जी अब अपनी अनंत यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अनंत यात्रा पर जा रहे हैं। तो महाराज जी जब अनंत यात्रा पे निकल गए तो सब कारभार उन्होंने संभाला। एक बात और मैं बता दूं कि जो नीम करोली धाम है जहां महाराज जी ने
तपस्या की, जिस गांव को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला जिसको महाराज जी ने स्वयं धारण कर लिया नीम करोरी। तो जो नीम करोरी धाम है वो धाम आप ये समझिए चर्चा में नहीं था, वो तप स्थली बिल्कुल गुमनाम थी। मां महाराज जी के महाप्राण के बाद मां सिद्ध माता कई बार यहां आई, यहां पर भक्तों के आयोजन किए, भंडारा किए। और एक विशेष चीज बता दूं कि आज जहां पर हम जो गुफाओं के दर्शन करते हैं कभी कर ही नहीं पाते, महाराज जी ने उन्हीं गुफाओं में बैठ के तपस्या की। नीम करोरी धाम में आज भी गुफाएं बनी हुई हैं, वो उन पर 500 वर्ष गुफाएं जब थी, इसके बाद महाराज जी चले गए तो 500 वर्ष उन पर उन गुफा के स्थल पर खेती होती रही, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन सिद्ध माता नीम करोरी धाम आई और उन्होंने कहा कि यहां खुदाई कराओ, और जहां खुदाई करवाएगी, जब थोड़ा खुदाई करवाएगी तो वहां पर महाराज जी का कमंडल मिला, महाराज जी के द्वारा जो आहुति लगाती थी वो मिला, मतलब पूरी गुफाएं उसमें से निकल आई। और आज भी आप नीम करोरी धाम जाए तो गुफाओं के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुफाओं को संरक्षित कर दिया गया है, चारों तरफ से जाली लगा दी गई है, और आज उन गुफाओं का दर्शन जो भक्त कर लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि महाराज जी ने जो जहां प्रॉपर वे में जहां बैठ के तपस्या की उस स्थल का दर्शन वहां पर होता है। तो ये भी माता ने ही वहां पर नीम करोरी धाम को प्रकाश में लाई। और आपको बता दूं कि उनके दो बेटे दिनेश लाल शाह और योगेश शाह नैनीताल में है, उनकी बेटी गीता शाह, तो तीन बच्चे उनके जीवन में आए और तीनों ही बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का पूरा परिवार है और माँ के जो बच्चे हैं, हम सब माँ के बच्चे हैं, लेकिन जिन्हें माँ की कोख से लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बाबा का नाम कर रहे हैं, बाबा के भक्त हैं। अपने 44 साल के सेवा के बाद 28 दिसंबर 2017 को मां अपनी अनंत यात्रा पर चली गई, क्योंकि ये सच है जिसने जन्म लिया है उसकी अनंत यात्रा भी हुई है। तो हम सब भक्तों के परिवार को मां अपना जीवन समर्पित करके, मां सेवा करके, मां आशीर्वाद देकर 28 दिसंबर 2017 को चली गई। दस्तक मीडिया माँ को, माँ के इस प्यार को श्रद्धावत होकर प्रणाम करता है। हम सब भक्तों की तरफ से भी उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। सिद्ध माता का ये परिचय भरा, केवल परिचय ही दे सकता हूँ, व्याख्यान तो मैं कर ही नहीं सकता, परिचय भरा ये अंक आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय